बारिश हो रही है, मौसम तो बहुत अच्छा है और आप लोग ज़रूर घर में बैठ के समोसे पकौड़े खा रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। क्या आप लोगों ने उन बेजुबान जानवरों के बारे में सोचा है जो कि आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं, कि उनकी लाइफ किस तरह से गुजरी होगी या किस तरह से गुजर रही होगी? और आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं आया हूँ क्रेज़ी कैट शेल्टर पर दोबारा से आप लोगों को दिखाने के लिए कि इनकी लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, आप लोग किस तरह से इनकी लाइफ को बचाने के लिए, इनकी लाइफ क्वालिटी को बेहतर करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और कौन कौन लोग इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर भी रहे हैं, उनकी बात करेंगे। वीडियो की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों के सामने सिर्फ एक एग्जांपल है और इस तरह की सैकड़ों एग्जाम्पल्स यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हुआ, चलिए हम इसे तंग नहीं करते, छोड़ देते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि उसकी आप लोग हालत देख सकते हैं, उसने कितना सफ़र किया होगा और वो यहाँ तक पहुँचा है, अब काफ़ी अच्छी लाइफ उसकी हो गई है। तो ऐसे केसेस में खर्चे अच्छे खासे हो जाते हैं। किसी इंडिविजुअल बंदे के लिए इतना अफोर्ड करना, किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरह फैट पैट ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है, आप भी कर सकते हैं। मैं जब भी क्रेज़ी कैट शेल्टर आता हूँ या किसी भी शेल्टर में आता हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि यार मैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊँ। और हम डिफरेंट कंपनी से कॉन्टेक्ट भी करते हैं कि यार आप लोग डोनेट करना चाहते हैं या नहीं। और इस दफ़ा अच्छी बात ये हुई कि फैट पैट ने अच्छा खासा लीटर का स्टॉक इन कैट्स के लिए डोनेट किया है, जो कि मैं कहता हूँ कि यार हमेशा आगे आएँ डिफरेंट कंपनीज को जो बिज़नेस कर रही हैं ख़ास तौर पेट्स की फील्ड के अंदर, उनको आगे आना चाहिए क्योंकि वो पेट्स के प्रॉब्लम्स को समझते भी हैं, कैट्स की प्रॉब्लम को समझते भी हैं और वो ज़्यादा अच्छे से जो है ना वो इनकी हेल्प भी कर सकते हैं। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि ये पर्शियन कैट है, अच्छी खासी सही कैट है, खूबसूरत कैट है, इसको भी अबेंडन किया गया। इसका मतलब ये है कि लोग शौक शौक में अपने बच्चों के लिए, अपने पिक्चर्स लेने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए पेट्स को लेके तो आते हैं, लेकिन जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने ओनर की, तब वो उनको अबेंडन करते हैं, उनको बाहर छोड़ देते हैं या कहीं दे देते हैं, किसी शेल्टर में दे देते हैं। कुछ लोग मैसेजेस करके कहते हैं कि यार हमने अपनी कैट शेल्टर में देनी है, वो बिल्कुल ठीक कैट्स होती हैं। तो अगर आप लोगों ने कैट्स को पालना ही था, आपने कमिटमेंट ही नहीं पूरी करनी थी, तो आप लोग उसको रखा ही क्यों, आपने उसका दिल क्यों लगाया अपने साथ? जब एक घर से दूसरे घर में कैट जाती है तो कैट की वो ज़िंदगी नहीं रहती जो उसकी पहले ज़िंदगी होती है। और ये बेचारी बिल्लियाँ इतनी मासूम हैं कि इनको लग रहा है कि ये खाने वाली चीज़ है, इनको पता नहीं है कि खाने के बाद इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, फिर भी वो पास बैठी हुई हैं, कुछ उसको स्क्रैच कर रही हैं कि यार इसको खोल दें। तो बेचारी और क्या कर सकती है, इनको जितना भी आप खिला दें, जितना भी आप इनको कर दें, वो कम है। और ये शरारती डॉगी भी यहाँ पर मौजूद है, ये बेसिकली रूपधार क्या है कैट्स का, लेकिन बाद में पता लगा जी ये डोगी है। इसको स्किन की प्रॉब्लम थी काफ़ी ज़्यादा, अभी भी मेरे यहाँ से सर ट्रीटमेंट चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोगों की वजह से ही ये बेहतर हो पाता है, जो लोग डोनेशन करते हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं, है ना डोगू? ये बहुत ज़्यादा शरारती है ना? वो ये क्या हुआ आपको, ये क्या कर रहे हो आप? तो इनके लिए जो है ना वो हेल्प लाजमी किया करें आप लोग, क्या हुआ आपको है? मैंने सोचा था कि मैं आज जाऊंगा तो मैं 2, 3, 4, 5, 6 स्टोरीज़ कवर करूंगा, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी स्टोरीज़ हैं कैट्स की, किसी का नोज़ नहीं है, किसी का कोई कान नहीं है, किसी की आँख नहीं है, किसी का कोई इशू है। तो जो रियल पेट लवर है उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है कि देख के यार इनको किस तरह से इनके घर वालों ने बेदखल किया या लोगों ने जुल्म किया, लोगों ने मारा। हाँ जी, इसका भी मैं यहाँ से आया, इसका थोड़ा इशू चल रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे फैट पैट ने यहाँ पे क्रेज़ी कैट शेल्टर को अपने जो लीटर हैं वो ऐसे हेल्प के लिए भेजे हैं, तो इस तरह बाकी जो दूसरी कंपनीज हैं उनको भी चाहिए कि हम जैसे जो इंडिविजुअल लोग जानवरों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, कि वो हम लोगों को सपोर्ट करें या हेल्प करें, इनके जो रेट्स वगैरह उसके ऊपर थोड़ा काम करें, ताकि हम ये एनिमल के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और हमारा जो बजट है वो इतना मेंटेन हो कि हम इसको और ज़्यादा आगे तक लेकर जाएँ। तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, काफ़ी टाइम स्पेंड किया हमने कैट्स के साथ और 2-3 जो आपको दिखाए हैं ना डॉग्स जो छुपे बैठे हैं भेड़िए की खाल के अंदर कैट्स के साथ, उनको भी साथ ही बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और अगेन फैट पैट का शुक्रिया, और मैं अपनी तरफ से भी कुछ लाया था, मैंने वो भी दे दिया। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएँ, जितने भी शेल्टर्स हैं जहाँ जहाँ पर भी हैं, अपने घर पर अगर आप लोग कर सकते हैं, अपनी गली के एनिमल्स का ख्याल कर सकते हैं, वहाँ पर ख्याल करें, जिस तरह भी कर सकते हैं। तो डोनेशन के लिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे या आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, वहाँ भी डिटेल शो हो रही होगी, आप लोग डोनेशन कर सकते हैं। और जो वाकई में जो रियल रेस्क्यू केसेस हैं वो आप इनको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं इनके इंस्टाग्राम पे जाकर। और अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही शेल्टर वाली हैं ज़्यादा सारी कैट्स वाली, तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इस तरह की और ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएँ, हमारे चैनल को भी सपोर्ट दिखाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।